सो गाइस, यहाँ पे प्लेन टी शर्ट है, उसको हम अट्रैक्टिव लुक देने वाले हैं। इसके लिए ऐड फोटो में जाके कोई भी एक स्टिकर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, देखो ये सिलेक्ट हो गया है और ऐड भी हो गया है। इसको अभी प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे और इसका ऑप्टिसिटी लेवल कम करेंगे, 80% रखेंगे। देखो इधर से मैं 80% कर दिया हूँ, ये तो यहाँ पे सेट हो गया है। सो गाइस, अभी मैं इरेज में जा रहा हूँ और उसको इरेज कर देगा, जो भी पोर्शन अपने टी शर्ट के बाहर है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। और गाइस, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि जो पोर्शन स्टिकर का है वो इरेज होना चाहिए, उधर मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद इधर से डन करके ऑब्डिसिटी लेवल को 70% कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये फोटो रेडी हो गया है, अब इसको सेव करेंगे। गाइस, अभी इसके बाद वापस से ऐड फोटो में जाएंगे और स्टिकर वाले फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके पीछे का तो बैकग्राउंड वाइट है, तो अभी इसको ब्लेंड में जाके मल्टीप्लाई करना है। गाइस, अपना तो प्लेन शर्ट था, इसके ऊपर ये अलग से लुक आ गया, ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है दिखने के लिए। अभी ये जो बॉर्डर है जो दिख रही है, उसको हम इधर से इरेज कर देंगे। इरेज में जाके देखो, इरेज में जाके थोड़ा हार्डनेस को कम करना है और साइज को भी कम कर देंगे तभी चलेगा। जो डार्क बॉर्डर हमें दिख रही थी उसको हमने इरेज कर दिया है, इससे गाइस अलग से फिनिशिंग आएगी अपने फोटो को। यहाँ से इसको डन कर देंगे और इसका ऑप्टिसिटी लेवल 76% कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि स्टिकर का साइज़ थोड़ा कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपका फ़ोटो जैसे रहेगा उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। इसके बाद इसका ऑप्टिसिटी लेवल 76% कर देंगे। गाइस, ये फोटो यहाँ से रेडी हो गया, इसको सेव करेंगे। अभी ऐड फोटो में वापस जाएंगे, सेम प्रोसेस है गाइस, सेम आपको वैसे ही करना है। गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर जो भी फ़ोटो आप ऐड करते हो अपने प्लेन टी शर्ट के ऊपर, तो उसके पीछे अगर वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लेंड में जाके जो फ़ोटो ऐड किया है उसको ब्लेंड में जाके मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कैसे करते हैं, वापस एक बार समझाऊँगा। अभी देखो, एक फ़ोटो इधर से डन हो गया है, अभी इसके बाद दूसरा फोटो बढ़ाने की, इसका तो बैकग्राउंड वाइट है, तो ब्लेंड में जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ऐसे फ्रेंड्स आपको करना है। गाइस, अभी फुल डिटेल्स में समझाऊँ मैं आपको कि प्लेन वाइट टी शर्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। अभी ब्लैक टी शर्ट को अट्रैक्टिव बनाएंगे। अभी ऐड फोटो में जाके ब्लैक बैकग्राउंड होने वाला फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर दिया हो, उसके बाद ब्लेंड में जाके स्क्रीन करना है। ब्लेंड में जाके स्क्रीन करेंगे और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, और ऑप्टिसिटी लेवल आपको लगता है तो उसके हिसाब से आप कम भी कर सकते हो, नहीं तो 100% भी रख सकते हो फ्रेंड्स। अभी इसको मैं अच्छी तरह से सेट करके इरेज में जाऊंगा और इरेज में जो पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, ये देखो ये वर्ड्स आ रहे हैं, उसको मैं इरेज कर दिया हूँ और सेव कर दिया हूँ। अभी इसके बाद इसमें अलग फ़ोटो डालेंगे, सेम प्रोसेस है गाइस। कि आपको याद रखना है कि ब्लैक फ़ोटो रहेगा तो आपको प्लेन में जाके स्क्रीन करना है, और वाइट फ़ोटो रहेगा आपका टी शर्ट का तो आपको ब्लेंड में जाके मल्टीप्लाई करना है। ये सिर्फ दो बातें हैं इम्पोर्टेंट वाली, वो याद रखोगे तो ये एडिटिंग आपसे एकदम अच्छी तरह से हो जाएगी। अभी मैं अलग अलग तरह के जो स्टिकर्स है, नहीं तो फोटो है, वो इसके अंदर प्लेस करके दिखा रहा हूँ। ये डायमंड शेप वाला है, ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। गाइस, मैं प्लेन टी शर्ट के ऊपर जो भी फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और जो भी PNG यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके अंदर से ये सब फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। आपके पास प्लेन ब्लैक टी शर्ट है और उसके ऊपर आपको वर्ड डालने हैं जो कि आपके पास है ब्लैक कलर के, तो उसको वाइट कलर में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ वाइट कलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इफेक्ट में जाके इफेक्ट में जाऊँगा, उसके बाद कलर्स के ऑप्शन में जाऊँगा और नेगेटिव करना है, तो ये ब्लैक जो कलर था वो वाइट में कन्वर्ट हो गया और बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही करना है आपको। गाइस, वीडियो अगर यूज़फुल लगी होगी तो तुम्हारे भाई के चैनल को वाइन एडिटिंग जोन को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। गाइस, जिसको भी एडिटिंग करना पसंद है उनको ये वीडियो शेयर करो। तो गाइस, मिलते हैं नए कंसेप्ट और नई ट्रिक के साथ नए वीडियो में।